और ये बात बढ़ गई जिससे मेरे
राजेश जी ने मुझे बताई थी कि जब रोशन साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे और आप अभी तक कुछ 7-8 साल के थे और सेम चीज वो आपसे पूछते थे। बिल्कुल, क्या क्या पूछने का याद रहेगी? अरे वो तो ऐसा होता था कि शाहिर साहब और रोशन साहब बैठे हैं और सुबह के टाइम वो ट्यून बना रहे हैं और राजेश सर गाना सुना रहे हैं जो आ रहा है जो बात में पाँव छोड़ने में कैसा लग रहा है? My chacha has taught me not just music, not just melody, not just art. He's taught me how to be a good man, how to be calm in the most stressful situations. ये ऐसी बात करिए मुझे ठक किसी ने यहाँ पे लगाया। अच्छा, अरे इतने मतलब म्यूजिक कंपोज करना चैलेंज नहीं है? तो इतने गजब के डांसर, लाइक एक पल का जीना, हाउ यू हैव डन दैट? कीपिंग हिज डांसिंग, हिज पर्सनालिटी, नहीं मजा तो बहुत आता है इनके साथ काम करने का, क्योंकि राकेश जी डायरेक्शन करते होते हैं और मुझे पता है वो ये कैरेक्टर है और मार्क पे मारेंगे अपना निशाना है ना, और साथ का डिफरेंट है तो इट्स लाइक फन फॉर मी, इट्स लाइक डिफरेंट वर्ल्ड। राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यू नो आई सैल्यूट आपका जो रिश्ता है राजेश जी के साथ, तो एक भाई भाई का तो है ही, बट सच ए लॉन्ग एसोसिएशन, एंड आई वुड लाइक टू सी इट वेरी कैंडिड, क्योंकि आज की तारीख में जब दौर बदलते हैं, आपने देखा होगा हर डायरेक्टर में अपना म्यूजिक डायरेक्टर बनता है, चाहे वो राज कपूर हो या गुरुदत्त हो या कोई भी ऐसे बड़े से बड़े डायरेक्टर मान लीजिए, भाई जब संजय लीला बंसाली, बट राकेश रोशन इज द ओनली मैन हु हैज स्टक विद राजेश जी एंड हैव स्टक टुगेदर लाइक फैमिली from the beginning of your career, sir, and I want to know ki the comment ye wajah hai itna talent ghar mein hai to bahar kyun hai aur talent ke sath man mein taal mein aur sare dusre ko samajhte hain kya hai jab bhi main koi gaane ki situation mein jata hu to loke jo ke sath mil jata hu kya karne wala hai ye actor kya karne wala hai is tarah se inspire karte hain और बहुत गुस्सा भी है सब में, झगड़ते भी हैं बहुत, लेकिन प्यार जीतता। ये आपने कहा था राजेश जी ना कि नो जोक एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इज द फॉर्मूला फॉर योर सक्सेस, फॉर योर म्यूचुअल सक्सेस। म्यूचुअल एडमिरेशन ऐसी चीज है कि आपको अगर पता है कि ये डायरेक्टर कौन है तो आप जिंदगी भर उसके साथ काम करते हैं। Watching.